अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो मधुमक्खियां नहीं उड़ सकती, उनका जो भार है उनका पंख नहीं संभाल सकता है, इसलिए वो नहीं उड़ सकते। लेकिन देखा जाए तो मधुमक्खियां तो उड़ती हैं, उनको तो कोई बोला नहीं कि अभी तक तुम नहीं उड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन फिर भी वो उड़ती हैं। और अक्सर आप इस बात को नोटिस करते हो कि जब भी आपके बगल से मधुमक्खियाँ गुजरती है तो भन का आवाज़ आता है। ये क्यों आता है? ये आता है इसलिए क्योंकि वो अपने बॉडी को पंखों के सहारे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट साइड पुश करती हैं और दुगनी तिगनी गति से उस समय चलाती हैं। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे जब भी बगल से गुजरते हैं तो भन का आवाज़ आता है। तो उनको तो अभी तक कोई बोला नहीं कि अकॉर्डिंग टू साइंस आप नहीं उड़ सकते, लेकिन फिर भी वो उड़ती हैं। अब मैं आपको दूसरा स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें कि एक पर्सन जो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, वो जाते जाते देखते हैं कि एक बच्चा कचरे में से कुछ कुछ चुनकर अपने थैले में डाल रहा था जो उसके कुछ काम का था। और सड़क पे जो जो लोग किसी के काम का नहीं होता है सामान वो लोग फेंक देते, उसी में से वो बच्चा कुछ कुछ चुनकर अपने थैले में डाल रहा था। और वो पर्सन जो मॉर्निंग वॉक पे गए थे उस बच्चे की एक्टिविटी को अच्छे से ध्यान से देख रहे थे। जब वो चुनकर वहाँ से पहली गली में गया तो ये जो पर्सन थे जो उनको देख रहे थे वो भी इसके पीछे पीछे गए। तो जब गली में गया कुछ कुछ सामान उसके काम लायक था वो अपने थैले में डाल रहा था, तो कुत्ते कुछ आकर भौंकने लगे। तो ये बच्चा उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस अपने काम लायक जो था उस सामान चुन रहा था, अपने थैले में डाल रहा था और आगे बढ़ जा रहा था। तो ऐसे ही करते करते दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली जब गया, ऐसे ही करते करते जब उस बच्चे का थैला भर गया तब वो कबाड़ वाले के दुकान पर जाता है, अपना थैला नपवाता है और जिस भी हिसाब से उसका पैसा जो बनता है अपना पैसा लेकर अपने घर चले जाता है। लेकिन जो मॉर्निंग वॉक पे उस बच्चे को एक्टिविटी को नोटिस कर रहे थे वो देखें उसके दिनचर्या पूरे दिन भर का एक्टिविटी को नोटिस करके समझे कि ये बच्चा दिन भर मेहनत करता है और अच्छे से ये 300-400 एक दिन में कमा लेता है। लेकिन रियल मैसेज ये नहीं है, रियल मैसेज ये जो बच्चा उस पर्सन को देने जा रहे थे वो मैसेज आज मैं आपको बताऊँगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप लाइफ में कुछ भी करोगे लोग कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो लोग ज़रूर बोलेंगे। जिस तरह उस बच्चे पे कुत्ते भौंकते रहे लेकिन उस बच्चे को कुछ असर नहीं हुआ, उसी तरीके से आपको जो भी लाइफ में करना है आप वो अपना करो, आपको जो भी सही लगता है वो आप करो। आप किसी के बोलने पे अपना डिसीजन चेंज मत कर लो, आपको जो सही लगता है, आपको जो भी प्रोफेशन अच्छा लगता है अपना वो प्रोफेशन सेलेक्ट करो, उस पर वर्क करो। लोगों का तो काम है बोलना, लोगों को बस कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर लोग आकर बोलेंगे कि देखो मेरे वजह से तुम सक्सेसफुल हो, अगर मैं तुम्हारा उस दिन मजाक नहीं उड़ाता तो तुम उस दिन जिद नहीं करते और ठानते नहीं तो आज तुम सक्सेसफुल नहीं हो। तुम कुछ भी करोगे तो लोग आएंगे ज़रूर बोलेंगे, लोगों तो काम है बोलना। तो आज के इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यही बोल के कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग।